नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है और सब बढ़िया? दोस्तों, कूड़ा प्लास्टिक सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि सारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से कई एनिमल्स की प्रजाति विलुप्त हो गई है और कईयों की तो एक्सटिंग हो गई है। और दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि लावा हर चीज को पिघला देता है और लावे के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। क्यों ना हम सारा कूड़ा लावा में डाल दे? तो आइडिया सुनने में तो अच्छा है और आपने भी ये कभी ना कभी सोचा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, इसकी रियलिटी जानते हैं। कोरोना के बाद इंसानों की ये दूसरी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि वोल्केनोज जो होते हैं वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते। और वोल्केनो दो टाइप के होते हैं, एक जो लावा बनाते हैं और उस लावे को बाहर की तरफ स्पिट करते हैं और लॉन्च करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा वोल्केनो दिख गया तो आप वहीं पर खत्म हो जाएंगे। और मानो लकीली आपको लावा का पूल मिल जाए तो ये भी एक खतरनाक साबित होगा, क्योंकि वोल्केनो स्टेबल नहीं होते। एक बार साइंटिस्ट ने 30 ग्राम कचरे का बैग लावा में डाल दिया था। दोस्तों देखिए फिर क्या हुआ। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही होगा अगर हम लावा में ज्यादा कूड़ा डालेंगे तो। क्योंकि दोस्तों, कचरा अलग अलग प्रकार का होता है और लावा के अंदर जाने से लावा रिएक्ट करता है, बिल्कुल पेट्रोल में जलती हुई माचिस की तिल्ली डालने जैसा। और लावा के पास कई सारे जहरीले गैसेस भी होते हैं और इसमें कूड़ा डालने से ये गैसेस और भी जहरीले हो जाते हैं और वही पूरी दुनिया में फैल भी जाएंगे। और ऐसे में कुछ सब्सटेंस होते हैं जो लावे में पूरी तरह नहीं जलते और वही सब्सटेंस आगे जाकर पानी और चीजों को पोल्यूट कर देंगे। जो एयर पोल्यूट होगा वो तो अलग ही लेवल का होगा और आपको बाहर जाने के लिए गैस प्रूफ मास्क पहनने पड़ेंगे और हमारे अर्थ पर एसिड रेन की मात्रा हजार गुना बढ़ जाएगी। इन शॉर्ट, सारा का सारा कूड़ा एक न्यूक्लियर बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि हर बार फटता रहेगा। तो कुछ समझे कि अगर हम कूड़े को लावा में डालते हैं तो क्या होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। और हाँ, इसी के साथ फैक्ट्स नेशन चैनल पर 100 एपिसोड पूरे होते हैं।